सो हे गाइस, तो कैसे हैं? एक और इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे Xiaomi Redmi 5 और Xiaomi Redmi Note 5 फोन्स की। अभी एक महीने पहले Xiaomi ने अभी दो धांसू फ़ोन को लॉन्च किया था, जिसका नाम है Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro, जो कि काफ़ी धांसू फोन्स हैं। और चाइना में अभी Xiaomi Redmi 5 Plus लॉन्च हुए थे, जो कि Redmi Note 5 Pro है जो इंडिया में लॉन्च हुआ है वो था Redmi 5 Plus। अब बचा Xiaomi Redmi 5, तो ये अभी लॉन्च होने वाला है 14 मार्च, इसकी डेट फिक्स हो चुकी है। हाँ, आपने सही सुना, 14 मार्च को ये लॉन्च होने वाला है Xiaomi Redmi 5 Plus था वो तो इंडिया में आ ही चुका है Redmi Note 5 Pro के नाम से। अब बचा Redmi 5, तो ये भी लॉन्च होने वाला है 14 मार्च को। और आज हम वीडियो को मैं जानेंगे, दोनों को कंपैरिजन करेंगे कौन बेस्ट है, Xiaomi Redmi Note 5 या Xiaomi Redmi 5, और इसकी वो प्राइस भी क्लियर हो चुकी है Redmi 5 की। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हाइलाइट्स पॉइंट्स की बात करते हैं, और इसमें भी हाइलाइट्स पॉइंट निकाल लेते हैं। और सबसे पहला पॉइंट आता है इस पे स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर दिया है। प्रोसेसर के मामले में तो Redmi Note 5 ही ज़्यादा बेस्ट है। और यहाँ पर आपको 3GB 4GB रैम विथ 32GB 64GB रॉम है Redmi Note 5 में। और यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर 2GB और 3GB रैम विथ 16GB 32GB रॉम दिया गया है Redmi 5 में। अब बात करते हैं Redmi Note 5 में अगला फीचर्स, तो यहाँ पर 5.99 इंचेस की यहाँ पर डिस्प्ले दी गई है। आप देख सकते हो 5.99 इंचेस की डिस्प्ले दी गई है, फुल HD 18:9 की। और इसमें दिया गया है 5.7 इंच की प्लस HD प्लस 18:9 डिस्प्ले दी गई है। इसमें हाइब्रिड डुअल सिम दी गई है, इसमें हाइब्रिड डुअल सिम दी गई है आप देख सकते हो, इसमें हाइब्रिड डुअल सिम दी गई है। और यहाँ पर आपको नीचे आते हैं कैमरे की, तो यहाँ पर Redmi Note 5 में कैमरा है 12 MP रियर कैमरा विथ LED फ्लैश, और यहाँ पर 5 MP फ्रंट कैमरा विथ फ्लैश 4G। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12 MP रियर कैमरा विथ LED फ्लैश और 5 MP फ्रंट कैमरा विथ फ्लैश, कैमरा दोनों के सेम है, 4G सेट हैं। और ब्लूटूथ 4.2 है, इसमें भी ब्लूटूथ 4.2 है। फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बैटरी कुछ ज़्यादा है Redmi Note 5 में कंपैरिजन टू Redmi 5। तो Redmi Note 5 में है 4000 mAh बैटरी, और यहाँ पर Redmi 5 में दी गई है 3300 mAh की बैटरी। तो ये कुछ हाइलाइट्स पॉइंट थे दोनों की स्पेसिफिकेशन। तो मेरा ही तरफ से ओपिनियन यही रहेगा कि आप Xiaomi Redmi Note 5 को ही परचेस कीजिए, क्योंकि इसमें आपको प्राइस ज़्यादा है। अब बात करते हैं प्राइस की, Xiaomi Redmi 5 की प्राइस क्या है। Xiaomi Redmi Note 5 की तो प्राइस है, यहाँ पर Xiaomi Redmi 5 की प्राइस डिक्लेयर हो गई है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर, यहाँ पर 8000 के करीब यहाँ पर मिलने वाला है ये फ़ोन। तो प्राइस के मामले में ये भी बेस्ट है, लेकिन मैं यही दूंगा कि आप 3-4 हज़ार और यहाँ पर बाय करके यहाँ पर ये वाला परचेज़ कीजिए Redmi Note 5, तो आपको कुछ ज़्यादा वो होगा। तो यही थी आज की वीडियो। तो माय ओपिनियन है Redmi Note 5 बेस्ट है, फिर देखते हैं Redmi 5 अभी लॉन्च होने दो इंडिया में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।